हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के हम बात करेंगे एमपी की एक और नई बड़ी वैकेंसी जो कि जबलपुर में ईसीएचएस विभाग की तरफ से निकाली गई है। तो ईसीएचएस विभाग एक्स सर्विसमैन का एक विभाग है जहां पे समय समय पर भर्तियां निकाली जाती है। तो ये इसका विज्ञापन है और यहां पे पॉलीक्लिनिक जबलपुर सतना के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑफिस इंचार्ज की यहाँ पर एक पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे एक पोस्ट है और क्लर्क की यहाँ पे एक पोस्ट है। तो क्लर्क में आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ग्रेजुएट होना आवश्यक है। साथ में अगर आपने कहीं पे क्लर्क के ट्रेड में कहीं काम किया है, अनुभव है आपको, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफिस इंचार्ज के रूप में आपके केवल यहाँ पर ग्रेजुएट होना मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पर ऑफिस इंचार्ज के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी यहाँ पर 18,000 से 40,000 के बीच में है। और यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है इनके लिए यहाँ पे एमबीबीएस मांगा है। दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है और एक प्रकार से आप लोगों को दोस्तों अच्छा ये मौका है। अगर आप योग्य हैं, अनुभव है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन यहाँ पे ऑफलाइन भेजना होगा जो कि यहाँ पे 25 जून तक इनके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए 2:00 PM तक। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको अपने हाथों से फिल करना है। और इसको दोस्तों इसके साथ में आपको अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अनुभव प्रमाण पत्र सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसे डाक द्वारा भेजना है समय रहते। तो यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे पॉलीक्लिनिक के नाम में आपको यहाँ पे जबलपुर डालना होगा। फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप पूर्व एक सेना कर्मचारी तो अपना नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, रैंक लिख सकते हैं, आर्मी की सर्विस के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं अगर आपने पहले कहीं काम किया है आर्मी में। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, फिर अपना जेंडर, फिर आपका पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपको लगाना होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी यहाँ पे आप लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोटोकॉपी ड्यूली अटेस्टेड टू बी अटेस्ट। तो आपको अपनी सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे दोस्तों फोटोकॉपीज भी लगानी होंगी, जो भी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपने जॉब किया है तो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट मेडिकल काउंसिल, अगर आपने दोस्तों यहाँ पे जो एमबीबीएस वाले हैं वो लोग इसमें फिल करेंगे। इसके बाद अन्य कोई आपको ऑनरी अवार्ड मिला तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। अब इसके बाद दोस्तों बस इतना सा फॉर्म है। यहाँ पे आपको साइन करना है, नेम एप्लीकेंट लिखना है, प्लेस डेट लिखना है और इसके साथ अपने समस्त डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इसके कार्यालय पे भेज देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब कुछ समझ में होंगे। और ये जो विज्ञापन है मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप दोस्तों इसका जो आवेदन फॉर्म है और नोटिफिकेशन दोस्तों डाउनलोड कर इसे पढ़ सकेंगे। तो अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा कल किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।